हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास टू हिंदी सुरभि का पाठ तीन, चिड़ा चिड़िया। चिड़ा चिड़िया मतलब एक चिड़िया और एक चिड़ा। चिड़िया क्या होती है? फीमेल होती है, मादा होती है, और जो मेल होते हैं, बॉय होते हैं, उसमें हम जब चिड़िया की प्रजाति होती है उसे हम चिड़ा बोलते हैं। तो ये चिड़िया और चिड़ा के बीच में आपस में ये कुछ बातचीत करते हैं, और चिड़ा अपनी चिड़िया को कुछ जानकारी देता है। ये कहानी उस बात पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उसका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और पत्नी को समझाया। तो इसमें कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि एक किसान अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा हुआ था? अपने खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और एक दरी में उसका बच्चा लेटा हुआ था। बच्चे को जब चींटी काट लेती है तो उसकी पत्नी जो है बच्चे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा डाल देती है, और तब किसान उसको मना करता है और समझाता है, और क्या कहता है? अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी? बिना दांत के कैसे बच खाएगा यह रोटी? देखो, अब किसान कविता में उसको सुना रहा है कि अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी? बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? इसे घर ले जा, ले जाकर दूध पिला, या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। वो कहता है कि अरे अकल की खोटी, मतलब थोड़ा कम अकल वाली, तुम इसको रोटी क्यों खिला रही हो? क्योंकि इसके तो दांत नहीं है, तो यह रोटी को कैसे खाएगा, है ना? और बिना दांत के ये रोटियों को कैसे चबाएगा? या तो तुम इसे घर ले जाकर दूध पिलाओ, या फिर दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर खिलाओ। उसी पेड़ पर एक घोंसले पर चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़ा ने किसान की बात सुन ली थी चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी उसने सोचा रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो? वह बोली अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। चिड़ा, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान। पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल। जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल? कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल? तो चिड़िया कहती है कि अकल है तेरी बिल्कुल खोटी। अब अपने पति से कह रही कि तुम्हारी अकल भी खोटी है, मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाऊंगी। तो चिड़ा कहता है कि अरे मेरी भोली चिड़ैया, पहले ये तो समझो कि खिचड़ी होती क्या है, कैसे बनती है। तो वो बताता है कि पहले चावल लाओ, फिर दाल लाओ, फिर दोनों को पकाओ, पकाकर उसमें नमक डालो। जब पक जाए चावल और दाल, दोनों पक जाएं, तब खिचड़ी बनती है। फिर उसको सजा करके थाली में सजा के दो। तो चिड़िया क्या कहती है, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। तो कह रही दाल कहाँ से आएगी, चावल कहाँ से आएगी, मैं कैसे खिचड़ी पकाऊंगी तो जिससे लाल याने बच्चे, मेरा बच्चा खिचड़ी खाएगा। चिड़ा था चतुर और बोला,
बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेंढक टर टर शोर करें, कोयल कुकू टेर करे। अब वो भी कविता में कहता है कि देखो बादल आएंगे बरसेंगे और सब जगह पानी भर जाएगा, पेड़ पानी से नहा लेंगे, मछली तालाबों में रहेंगी उछलेंगी, मेंढक टर टर करने लगेंगे और कोयल कू कू की आवाज़ लगाएगी। उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपण, धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा, तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन। तो वो कहता है कि फिर जब पानी भरा रहेगा उसमें हम दाल डालेंगे, धान को डालेंगे, तो धान धीरे धीरे करके बड़ी होगी और जब वो सोने के रंग जैसी हो जाएगी तब हम सब लोग मिलके उसको काटेंगे और काट करके फिर आगे क्या होगा, जब सूरज कुछ गर्माएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा, ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम, भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आएगा बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए चिड़िया को, चिड़ा और चिड़िया की बात से हमें चावल दाल कैसे उगते हैं इसकी बात पता चल रही है। तो वो क्या बोलती है कि जब सूरज कुछ गर्माएगा यानी थोड़ी हल्की सी गर्मी पड़ने लगेगी तब धान का पेड़ सूखेगा, फिर हम उसको काट के लाएंगे, ओखली में डाल करके कूटेंगे, तब उसमें ऊपर जो भूसा लगा रहता है वो निकल जाएगा, फिर चावल बनेंगे। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई, फिर उसने पूछा मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। तो बोलती चावल के बारे में तो तुमने बता दिया, अब दाल के बारे में बताओ। जंगल में मैं जाऊंगा, वहां से लकड़ी लाऊंगा, एक बढ़ई बुलाऊंगा, उससे हल बनवाऊंगा, बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा, हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर, दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। अब दाल बनाने के लिए क्या कहता है कि जंगल से लकड़ी लाएंगे, लकड़ी ला करके उसको बढ़ई बुला करके उससे हम एक हल बनवाएंगे, हल बनवा करके बैलों के साथ में हम ज़मीन को जोतेंगे और फिर दाल के दाने डालेंगे, तब हम को दाल मिलेगी। फिर बादल जल बरसाएंगे, सूरज धूप दिखाएगा, निकल पड़ेंगे कुछ दिन में दो पत्तों के दाने, फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे, फूलों के भीतर से फूटेंगी फलियां जैसे, उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा, दलिया जब भर जाएगी ऐसे दाल आएगी। फिर क्या होगा, जब बीज डाल देंगे तो पानी बरसेगा, धूप निकलेगी तो पेड़ उसमें से बीज में से पेड़ निकल आएंगे, फिर फूल बनेंगे, फूलों से फलियां बनेंगी और फलियां जब पक जाएंगी उसको तोड़ेंगे तब दाल बनेगी और उसको बटोरेंगे तब दाल आएगी। चिड़िया ने कहा यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा हंसकर कहने लगा जो चाहती बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना, इसीलिए तो कहता हूँ पगली भूल जा बातें पिछली, बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकाना पकड़ लाना, प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। मतलब वो कहती हैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि खिचड़ी मत पकाओ तुम, है ना, क्योंकि चावल दाल उगाना पड़ेगा, तुम तो रोटी और दाना खिलाओ और फिर बाद में कुछ कीड़े पकड़ कर ले आना, तो उसको भी प्यार से उन्हें खिलाना और पहलवान के जैसा बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों के को रोटी तोड़कर खिलाने लगी। तो इस कहानी में क्या हुआ,
हमने चिड़ा और चिड़िया के माध्यम से क्या सीखा? इस कहानी में हमने चिड़ा और चिड़िया के माध्यम से चावल कैसे उगाया जाता है, दाल कैसे उगाई जाती है आदि के बारे में सुना और समझा। अब हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अकल की खोटी, जैसे मैंने पहले बताया, कम बुद्धि वाली या कम अक्ल वाली, जन याने लोग, सजीले याने सजे हुए या सुंदर, चिड़ैया याने चिड़िया, पसीना बहाना याने मेहनत करना, बटोरना याने इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये इसके कठिन शब्द थे। अब हम आते हैं इसके मूल्यांकन पृष्ठ पर। किसान और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे? किसान और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। खिचड़ी कैसे बनती है? दाल और चावल को पकाकर खिचड़ी बनती है। चिड़ा अपने बच्चों के लिए क्या लाया? चिड़ा अपने बच्चों के लिए रोटी का टुकड़ा लाया। कौन बुद्धिमान था, चिड़ा या चिड़िया? चिड़ा, क्योंकि वो सही गलत के बारे में समझता था। दाल किसके अंदर होती है? दाल फल्ली के अंदर होती है। चावल कहाँ से आता है? चावल धान से आता है। किसान खालिस्तान में अनाज उगाता है। किसान खेत में अनाज उगाता है। चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। बढ़ई लकड़ी से हल बनाता है। दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनती है। ओखली में धान कूटा जाता है। तो ये खाली स्थान है जिन्हें आपको समझकर अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने क्या किया? बच्चे को चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया। छोटा बच्चा रोटी क्यों नहीं खा सकता है? छोटा बच्चा रोटी इसलिए नहीं खा सकता है क्योंकि उसके दांत नहीं होते। चिड़िया अपने बच्चे को खिचड़ी क्यों खिलाना चाहती है? क्योंकि चिड़िया अपने बच्चे को खिचड़ी इसलिए खिलाना चाहती है क्योंकि उसके बच्चे भी छोटे हैं। खेत किससे जोता जाता है? खेत हल से जोता जाता है। पहले क्या होगा और उसके बाद क्या होगा? दाल का दाना बोएंगे कि खेत जोतेंगे? खेत जोतेंगे, फिर दाल का दाना बोएंगे, फिर फूल खिलेंगे, फलियां फूटेंगी, फिर फलियां तोड़ेंगे, दाल निकलेगी। मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। अच्छा बताइए, किसकी आदत सही है या किसकी गलत? सनी अपनी प्लेट पूरी भर लेता है, फिर थोड़ा सा खाकर जूठा छोड़ देता है। अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी आदत है। सुबह लंच बॉक्स में बची रोटी किसी जानवर को खिला देती है। अच्छी आदत है। मनु खाना अच्छी तरह चबाकर खाता है। खाना खाते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि खाना नीचे नहीं गिरे। ये भी अच्छी आदत है। जिस दिन रिया की पसंद का खाना नहीं बनता, वह अपना खाना कूड़ेदान में डाल देती है। यह बुरी आदत है। तो इस तरह से हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे पुरुष के लिए चिड़ा बनता है, स्त्री के लिए चिड़िया। तो बूढ़ा के लिए क्या बनेगा? बुढ़िया। गुड्डा के लिए गुड़िया। शेर के लिए शेरनी। मोर के लिए
मोरनी, ऊंट के लिए ऊंटनी। चिड़ा पुल्लिंग शब्द है और चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अब आप इन चित्रों को देखिए और बताइए, चिड़िया उड़ रही है, किसान खाना खा रहा है, बच्चा रो रहा है, सरला पढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना है और इस चित्र को देख करके और कहानी आपने पढ़ी है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और पूरा लेसन कॉपी में लिखना है। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहें।